क्या? आपने आपने पोस्टर में गलत लिख दिया, मतलब ये तो मैं मान सकती हूँ क्योंकि मेरी पहली बार मैं कह रही हूँ, मैं शायर शायरा नहीं हूँ, मैं कवित्री हूँ। कवित्री मतलब क्या ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने बोला भी नहीं पोइट्रिस करके। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है भावना शर्मा। अक्सर हमने गज़लों में नज़मों में दो तरह के इश्क का जिक्र सुना है, एक है कामयाब मोहब्बत और एक है नाकामयाब मोहब्बत। मेरी जो ये कविता है वो एक ऐसी ही नाकामयाब मोहब्बत के बारे में है जो पता नहीं क्यों मुझे बड़ी कामयाब सी लगती है। शुरुआत मैं करूँगी मेरी बहुत ही पसंदीदा गुलाम अली साहब की एक गज़ल से। वह कहते हैं कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, वो मेरे सामने बैठा और वो मेरा न था। मैं आगे लिखती हूँ कि बटकर रह जाएंगी किससे कहानियाँ, ये भी तो सोचा न था, बटकर रह जाएंगी किससे कहानियाँ, ये भी तो सोचा न था, वो पन्ना मेरी ही किताब का था फिर भी वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे ये सोचा न था। अरसा हुआ खुद को तुझमें ढूंढे हुए, अब तो मैं भी मुझमें कुछ गुम सी जान पड़ती हूँ, ये तेरी बेवफाई का सबब तो नहीं फिर सोचा करती, पर तुझमें तो पहले से कभी हक मेरा ना था। फासले ऐसे भी होंगे पहले सोचा ना था। अब बॉलीवुड तो फेमस ही अपने प्रेम कहानियों के लिए, मुझे तो पता नहीं आपकी कौन सी फेवरेट लव स्टोरी है, मेरी है वीर ज़ारा की, और उससे इंस्पायर्ड होकर प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी। अजीब लगता है ना, कैसे कोई इंसान अपने वजूद को पीछे छोड़कर किसी दूसरे के वजूद को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। मेरी कविता का नाम है नाम में क्या रखा है, गौर फरमाएगा। मैं वो पहला कवि हूँ जो लिखने से डरता हूँ, मैं वो पहला कवि हूँ जो लिखने से डरता हूँ, आप पूछेंगे तो फिर खुद को एक कवि किसलिए कहता हूँ। क्या लिखना इतना ज़रूरी है, क्या कागज़ कलम ही एक कवि की निशानी है, ख्यालात नहीं, शब्द नहीं, जज्बात नहीं, अगर ऐसा है तो आज मैं ये गुरूर छोड़ता नहीं, अब मैं कोई कवि नहीं पर फिर भी लिखने से डरता हूँ। मैं तो हूँ एक संकी आशिक अबस भरा जो बस कल्पनाओं से खेलता हूँ, पर नहीं तुम नहीं, तुम हकीकत हो, पर तुमको कागज़ में उकेर सकूँ इतना तो शरीर में खून भी नहीं। डरता हूँ कहीं लिखते लिखते आखिरी बूंद तक कुछ छूट ना जाए तुम्हारी जिक्र में, तुम्हें दुनिया में उजागर करने का कोई इरादा नहीं मेरा, बस इसलिए लिखने से डरता हूँ क्योंकि मुझे मेरे शब्दों पर रत्ती भर भरोसा नहीं, ये तो तुमसे प्रेरणा पाकर बस बरसते जाएंगे। कहीं मैं लिख ना डालूं तुमसे जुड़ी छोटी से छोटी बात, कहीं तुम्हारी तस्वीर न बन जाए मेरे हर एक शब्द के साथ, कहीं इससे तुम्हारा आज न बिगड़ जाए, बस इसलिए लिखने भर से डरता हूँ। इसलिए जब भी होश में रहता हूँ कुछ तुम्हारी तारीफ में बोल दिया करता हूँ। लोग अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं, ये कैसी बंदगी है, लोग अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं, ये कैसी बंदगी है, मैं पूछता हूँ क्या इबादत में नाम लेना इतना ज़रूरी है। तुम कोसों दूर रह के भी खुश हो ये जानता हूँ, ना होती तो मेरे होठों पे ये हंसी कैसे देखते लोग, अब तो उम्र भी मेरे दिमाग से सट्टे लगाती है, कब तक याद रख पाएगा उसका नाम कहकर चिराती है। हाँ, डरता हूँ जब अकेले रहते हुए भी ये नाटक खुद से करता हूँ कि कहीं एक दिन मैं भूल ना जाऊँ तुम्हारा नाम, या किसी दिन बिन सोचे बोल ना दूसरे आम,
बस 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 थका मत दिमाग को ए दिल, तू टूटा सो टूटा उसे मत बिगाड़। क्या बात है, मेरी मजबूरी समझ, मैं लिख नहीं सकता और बिन उसके नाम के मैं जी नहीं सकता। हाँ, मैं वो पहला सरफिरा आशिक हूँ जो दिल की नहीं दिमाग की सोचता हूँ। मुझे मेरे वजूद की कोई परवाह नहीं, मैं हर जर्रे में उसका नाम खोजता हूँ, बस उसका नाम खोजता हूँ। धन्यवाद।